This conference will now be recorded. हेलो फ्रेंड, देखिए आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, इस टॉपिक के अंदर हम लोग जानेंगे अनेबल वाउचर्स रीच ग्रुपिंग क्या होता है। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कंपनी के अंदर पार्टीशन क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सपोज करो कि कंपनी है और वो दो स्टेट के अंदर वर्क करती है, एक दिल्ली और दूसरा बॉम्बे। मैं चाहता हूँ दिल्ली के यूजर को बॉम्बे के डाटा ना दिखे और बॉम्बे के यूजर को दिल्ली का डाटा दिखे, और जो सुपर यूजर है उसको दोनों के डाटा दिखे या दोनों की पार्टियां दिखे। तो किस तरीके से करें? बहुत से लोग हमसे क्वायरी करते हैं कि सर अगर मुझे कच्चे का काम और पक्के का काम एक ही सिस्टम के अंदर करना है तो मैं किस तरीके से करूं। तो आज जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ ये टॉपिक आपकी इसी क्वायरी से रिलेटेड है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपके पास बीजी का एंटरप्राइजी वर्जन होना चाहिए, चाहे वो सिंगल यूजर हो, ड्यूअल यूजर हो या फिर मल्टी यूजर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एंटरप्राइज फीचर्स के अंदर आऊंगा, कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर, फीचर ऑप्शन के अंदर, और एंटरप्राइज फीचर्स के अंदर हमें सब टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है अनेबल मास्टर ग्रुपिंग सिर्फ। मैं इस टॉपिक को अनेबल करूंगा और यहाँ से ग्रुपिंग हो रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ अकाउंट दिखे, आइटम, ग्रुप, मैं सभी पर क्लिक कर देता हूँ पार्टीशन क्रिएट करने के लिए और मैंने इसको सेव। अगर आप किसी से अकाउंट हाइड करना चाहते हैं तो अकाउंट भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं मास्टर के अंदर गया और मैंने यहाँ से कुछ अकाउंट्स क्रिएट करे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक अकाउंट बनाया, सपोज कर दें सुमित कुमार नाम से अकाउंट, और ये अकाउंट रिलेट करता है बॉम्बे यूजर से। तो मैंने जैसे इसको सेव करा अनसिक्योर्ड लोन कर मेरे पास एक मैसेज आया टैग मास्टर सीरीज ग्रुपिंग। मैंने इसको यस करा और मैंने इसको दिल्ली ब्रांच बता दिया और इसको F2 करके मैंने सेव किया। एक और ब्रांच बनाई, एक और पार्टी बनाई जिसका नाम मैंने कमल रखा, F2 करा और सेव करा और इसको बॉम्बे ब्रांच से मैंने टैग कर दिया और इस कंपनी को सेव कर दिया। सेव हो गई। इसके बाद मैंने दोनों के लिए यूजर को क्रिएट करा, एट दिल्ली के लिए दिल्ली यूजर और मैंने इसको सेव कर दिया। लेकिन जब मैंने दिल्ली यूजर बनाया तो मैं इसके साथ टैगिंग करूंगा। मैंने यहाँ पर गया कहाँ पर, स्पेसिफाई वाउचर सीरीज ग्रुपिंग, मैं यहाँ पर आऊंगा और उस ग्रुपिंग का नाम दूं। मैंने बोला इसके अंदर खाली इसको दिल्ली की पार्टियां दिखे तो मैंने यहाँ F3 करा। यहाँ आपको F3 करने से पहले सबसे पहले सीरीज क्रिएट करनी पड़ेगी। वो कहाँ से? कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाओगे, वाउचर के अंदर, और यहाँ आपको क्लिक करना है वाउचर सीरीज ग्रुपिंग मैनेजमेंट, इस पर जाना है और ऐड सीरीज। जैसे कि मैंने यहाँ सबसे पहले एक सीरीज बनाई और सीरीज का नाम रख दिया दिल्ली, इसको टैग कर दिया ऑल और सेव। उसके बाद एक और बनाई सीरीज, उसके अंदर सीरीज का नाम रख दिया बॉम्बे और सेव कर, सेव हो गई। उसके बाद जितने भी यूजर बनाऊंगा सभी यूजर के साथ मुझे इसको टैग कर देना है कि कौन सी सीट किस यूजर के साथ है। तो यहाँ पर मैं बना सकता हूँ, मैंने बोला दिल्ली सीरीज के साथ टैग हो जाइए तो दिल्ली सीरीज के साथ टैग करा और इसको दिल्ली सीरीज के जो टैग हुई है इसको जो पार्टियां दिखे वो दिल्ली की ही दिखे और किसी स्टेट की पार्टियां ना दिखे और मैंने इसको सेव कर दिया। इसके बाद एक और पार्टी बनाई, मैंने लिखा इसको बॉम्बे नाम से, पासवर्ड MM डाल दिया। यहाँ पर स्पेसिफाई वाउचर सीरीज ग्रुपिंग में मैंने बॉम्बे लिख दिया और मास्टर भी इसको किसके दिखे, बॉम्बे का ही दिखे और मैंने इसको सेव कर, सेव हो गया। उसके बाद मैंने इस कंपनी को बंद, दिल्ली यूजर था, पासवर्ड डी था। जैसे ही दिल्ली से मैंने ऑन करा और मास्टर को चेक करूं तो मेरे पास एक ही मास्टर दिख रहा है, वो भी सुमित का। इसके अंदर कमल मास्टर नहीं दिखा। मैंने इस कंपनी को लॉग आउट करा और इसको बॉम्बे यूजर के द्वारा किसी को ऑन, और जैसे ही मैं अकाउंट्स के अंदर गया तो देखिए यहाँ पर मुझे कमल मिल रहा है, सुमित नहीं। अगर मैं इस कंपनी को दोनों यूजर से ऑन कर दूं, DD यूजर से ऑन कर दूं जो सुपर यूजर है इस कंपनी का, उसके अंदर इसको सभी चीजें मिलेंगी, चाहे वो पार्टी हो चाहे वो आइटम हो, हर चीज यहाँ से मिलेगी। इसे कहते हैं पार्टीशन क्रिएट करना या बीच के अंदर हाइड लगा। जैसे मैं अपने आप लोगों को बता देता हूँ
मैं किसी प्लेस पर कभी टीचिंग देने जाता हूँ तो उस प्लेस पर और भी टीचर वर्किंग करते हैं, तो करते हैं कि मैं, तो उस केस के अंदर उन्होंने इस टॉपिक का यूज कर पार्टीशन क्रिएट करा हुआ। दूसरा, अगर आप इसी चीज को आपके साथ भी इसको एप्लीकेबल कर सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं। इसको सेव करने के साथ साथ जो मैसेज आएगा, बस अब उसको मैसेज के अंदर बताना है ये किससे रिलेट करता है, दिल्ली ब्रांच से या बॉम्बे से। दिल्ली है तो दिल्ली वालों को दिखेगी, और अगर आप आइटम टू ये बॉम्बे की है तो ये खाली बॉम्बे यूजर को दिखेगी और किसी यूजर को नहीं दिखेगी। हो गया, सेव कर सकते हैं। ऐसे बिल्स एंट्री टैग कर सकते हैं, ऐसे यूनिट टैग कर सकते हैं, सब कुछ है कर सकते हैं। मैंने कंपनी को बंद करा और आपको दिखाने के लिए मैंने इस कंपनी को दिल्ली यूजर से ऑन करा। जब इस कंपनी दिल्ली यूजर से ऑन हुई तो मैसेज जैसे में गया आइटम के अंदर तो मैंने देखा यहाँ पर सुमित दिख रहा है। मैं आइटम के अंदर गया तो मैंने देखा मेरे को आइटम वन दिख रही। तो इस तरीके से आप पार्टीशन कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप सेल करोगे तो सेल के अंदर पार्टीशन क्रिएट नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए अभी हमें एक और कॉन्फ़िगरेशन करना है। अभी हमने खाली आइटम और पार्टी के बीच के अंदर पार्टीशन क्रिएट करा और किसी के अंदर पार्टीशन क्रिएट नहीं करा। इसके अंदर आप सेल की सीरीज के अंदर पार्टीशन करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस कंपनी को सुपर यूजर से खोलना है और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाकर, यहाँ से वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पर आप गए, सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करा दिल्ली, तो दिल्ली तो सब यूजर आ गए इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज लिखा हाइड सीरीज ऑलरेडी टैग इन एनी अदर ग्रुप, अगर ये सीरीज किसी के साथ टैग है तो ये हाइड नहीं होगी, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपको क्या करना है, मल्टी सीरीज बनानी है। आप चाहते हो यहाँ पर सेल के अंदर दिल्ली भी आ जाए तो मल्टी सीरीज पर जाओ और इसको क्लिक करो ऑल, और यहाँ से एक सीरीज बना दो जिसका नाम रख दो दिल्ली। ये मल्टी सीरीज क्या होती है कि एक बार में सेल के अंदर भी दिल्ली नाम की सीरीज आ जाएगी, परचेज में भी आ जाएगी, सब में आ जाएगी, और इसको क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे तो सब यूजर के अंदर देखिए, सब ट्रांजेक्शन टाइप के अंदर एक इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिल्ली दिल्ली की सभी सीरीजें मिल जाएंगी, चाहे वो परचेज हो चाहे सेल। इसी तरीके से आप लोगों को बॉम्बे नाम की एक सीरीज बनानी है और यहाँ पर बॉम्बे दे देना है। जैसे आप इसको बॉम्बे करके सेव करेंगे तो आपके पास बॉम्बे नाम की एक सीरीज भी बन के आ जाएगी। अब हमें टैग करना है कि हम दिल्ली की सीरीज दिल्ली यूजर के साथ खोलें और बॉम्बे की सीरीज बॉम्बे के साथ। तो मैं दिल्ली पर जाकर वाउचर सीरीज ग्रुपिंग मैनेजमेंट पर जाकर दिल्ली की देखे तो सेल पर क्लिक करा तो देखिए सब आ गई। यहाँ पर सेल दिल्ली की, तो मैंने यहाँ पर दिल्ली दिल्ली क्लिक करा, दोबारा गया और मैंने खाली दिल्ली यूजर को सिलेक्ट करके मैंने दिल्ली 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 और दिल्ली यूजर को ऑन कर दिया, ऑन हो गई। और उसके बाद ठीक है सिलेक्ट नहीं करा, अगर सभी सिलेक्ट कर लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। दिल्ली 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 ठीक है, हाइड टैग इन एनी अदर ग्रुप, ठीक है। अगर आप किसी एनी अदर ग्रुप के साथ टैग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मैंने इसको फिलहाल वैसे ही रखा हुआ, इसको सेव कर दिया, सेफ हो गई। इस कंपनी को बंद करा और दिल्ली यूजर से करा, दिल्ली यूजर से इस कंपनी को ऑन करा। जब दिल्ली यूजर से कंपनी ऑन हुई तो आप जैसे ट्रांजेक्शन पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए अभी मेन दिख रही है और कोई नहीं दिख रही, ठीक है। इसका मतलब अभी हमें सीरीज को अलाउ भी करना है कि वो दिल्ली यूजर को दिखे, किसी यूजर को ना दिखे। तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, इस कंपनी को सुपर यूजर से ऑन कीजिए अगेन, फिर दोबारा वाउचर सीरीज के अंदर जाए और इसको अब जो टॉपिक यहाँ पर लिखा था कि हाइड सीरीज ऑलरेडी टैग इन अदर ग्रुप एनी अदर ग्रुप, तो इसके साथ इसको टैग कर दिल्ली 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 ठीक है, और दिल्ली को सेफ हो गई। इसके बाद इस कंपनी को बंद करना है, अगेन दिल्ली यूजर से इस कंपनी को ऑन करना है, कंपनी ऑन हो गई। आप जैसे ही जाएंगे तो आपको दिल्ली की सीरीज दिखेगी और किसी नाम की सीरीज नहीं दिखेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसके अंदर और आगे जाएं तो आपको सेल टाइप नहीं मिलना, क्योंकि आपने सेल टाइप अभी टैग नहीं करे कि कौन कौन से सेल टाइप आपको दिखे, तो आप वो भी पार्टीशन बनाकर तय कर सकते हैं। आप यहाँ गए
आपने कहा कि एक सेल टाइप है जो हमारा रिलेट करता है 18% एलो वाला, ये सेल टाइप दिल्ली के रिलेटेड है, और एक और 18% वाला आई वाला, ये भी रिलेट करता है दिल्ली सीरीज से। तो मैं यहाँ बॉम्बे सीरीज से, दिल्ली सीरीज से, तो मैं यहाँ पर दिल्ली डाल दिया और सेव। इसे करने के साथ साथ बेनिफिट ये मिलेगा, अब मेरे जो सेल टाइप मिस हो रहे थे अब वो सेल टाइप आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ क्रिएट करेंगे तो आपके पास देखिए सेल टाइप भी आना शुरू हो गए, क्लियर। लेकिन एक और प्रॉब्लम आपके सामने जनरेट हो जाएगी, आपको एमसी नेम नहीं आएगा, तो आपको एमसी नेम की परमिशन भी देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप कंपनी के अंदर टोटली कच्चा पक्का आईटी कंपनी के अंदर कर सकते हैं, बैलेंस शीट के अंदर भी पार्टीशन कर सकते हैं, हर चीज में पार्टीशन हो सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि सर एमसी नेम का पार्टीशन ना हो, बिल सैंडरी का पार्टीशन ना हो, इसके अंदर मुझे टैगिंग अप्लाई नहीं करनी, तो वो भी कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। आपको एंटरप्राइज फीचर्स के अंदर जाना है और कॉन्फ़िगरेशन पे, जैसे बिल सैंडरी नहीं चाहिए, पार्टीशन क्रिएट करना है, इस पे नहीं करना, तो जिन जिन पे आपको पार्टीशन नहीं क्रिएट करना उन पर आप अनचेक कर सेव कर दीजिए। उसके बाद उन सभी पर पार्टीशन क्रिएट नहीं होगा, तो वो सभी यूजर के अंदर शो करेंगे, चाहे वो दिल्ली का यूजर हो चाहे बॉम्बे के अंदर, क्योंकि ये यूजर, ये चीजें कॉमन होती है, दिल्ली के लिए भी सेम होती है और बॉम्बे के लिए भी सेम होती है, कि आप दिल्ली यूजर के लिए कर रहे हैं या बॉम्बे यूजर के लिए कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें अप्लाई ना करें जो दोनों के लिए कॉमन हो, ठीक है। ये आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने मेंटेन बारे में जाना, कि अगर एक यूजर को कोई फैसिलिटी देनी है जो दूसरे यूजर को ना देनी, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसके अंदर पार्टीशन क्रिएट करने के लिए इस टॉपिक का यूज करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।